बापरे बा, बहुते गर्मी है। गर्मी तो सही में बहुते बढ़ गया है। हमारे गांव में है ना रामेश्वर चचा, उनका एक भतीजा है मोनू, उसका गर्मी छुट्टी हो गया है तो घर पे आजकल बैठल रहता है, खाली कार्टून चैनल देखते रहता है। तो कल भी देख रहा था तो रामेश्वर चचा आए बाहर से, दौड़ते दौड़ते आए, बोले गए बाबू जल्दी से चैनल चेंज करो, न्यू चैनल पे लगाओ, कहा कि कपिल का शो आने वाला है। मोनू भी बहुत होशियार है, तुरंत जवाब दिया और कहा कि अरे चचा काहे हमको परेशान कर रहे हैं, कपिल का जो शो है ना वो सोनी चैनल पर आता है, न्यू चैनल पर नहीं। अब वो भी आता है खाली शनिवार रविवार के रात में आता है, अभी नहीं आएगा, जाइए वापस। बोला बुढ़बाक ये हम कपिल शर्मा का शो की बात नहीं कर रहे हैं, कपिल मिश्रा का शो की बात कर रहे हैं, सब दिन 11 बजे में आता है, जल्दी से लगाओ छूट जाएगा नहीं तो हमारा। मतलब कि कपिल मिश्रा का शो बहुत ही फेमस हो चुका है, काहे कि सब दिन 11 बजे में वो अपना नया एकदम प्रोग्राम कर देते हैं सब दिन। हमको तो लग रहा है कि न्यूज़ चैनल वाला सब कोई TRP बढ़ाने के लिए तो कोई नया टंटा शुरू कर दिए हैं का, पता नहीं हमको तो नहीं मालूम, वैसे हम अंदाज़ा लगाते हैं। खैर छोड़िए, कपिल से याद आया, एगो कपिल सिब्बल नाम के एगो वकील साहब हैं, वो बोले हैं आजकल कि जो ट्रिपल तलाक वाला मामला है ना ये आस्था से जुड़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट को कुछ नहीं करना चाहिए, ये उतना ही आस्था वाला बात है जितना कि लोग कहते हैं कि राम भगवान का जन्म अयोध्या में हुआ था। ये बात बोल के बहुत ही फंस गए हैं वो, काहे कि कल्ले हो करके ना बहुत लोग बोलेंगे कि जो आस्था का मामला है सुप्रीम कोर्ट को कुछ नहीं करना चाहिए तो वहां पर बना दीजिए मंदिर को, काहे सुप्रीम कोर्ट में लेके जा रहे हैं बात को। खैर जोड़ी ये सब अलग टाइप का मुद्दा हो जाएगा। वैसे वकील साहब से याद आया, अपना एक और वकील साहब हैं हरीश सालवे साहब, जो कि मात्र 1 रुपया में पूरा भारत को जीत दिला दिए, पाकिस्तान को ठेंगा दिखाते हुए पूरा बेइज्जती हो गया उसका। वैसे भी पाकिस्तान आज तक तो कोनो विश्व कप में इंडिया से नहीं जीत पाया है, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कैसे जीत पाएंगे बताइए। वैसे पाकिस्तान के एक और बेइज्जती अभी बाकी है, अभी 4 जून को जो होगा ना चैंपियंस ट्रॉफी का मैच, उसमें भी तो बेइज्जती होना लिखले है उसका। खैर छोड़िए, बहुत एस्ती बेस्ती का बात हो गया। अभी अपना जो इलेक्शन कमीशन साहब हैं वो बोले हैं कि 3 तारीख से जो है ना कोई भी आदमी या फिर कोनो भी पार्टी का आदमी चैलेंज ले सकता है। किस चीज़ का चैलेंज? तो EVM का ताला खोलने का चैलेंज, यानी कि EVM को हैक करने का चैलेंज। जहिया से ये जो आम आदमी पार्टी का आदमी सब है ना विधानसभा में बता दिए थे कि हैकिंग कर किया जा सकता है EVM का, उस दिन से बहुत ही चर्चा में ये बात आ गया था। वैसे विधानसभा में जिस दिन ये लोग EVM को हैक किए हैं उसके कुछ दिन लगभग 7-8 दिन के बाद है, पूरे दुनिया में वो रैंसमवेयर नाम का वायरस पूरा फैल गया है जो कि पूरे कंप्यूटर को हैक कर लेता है, और ये लगभग 1.5 करोड़ कंप्यूटर को अभी तक कर दिया है हैक। तो आम आदमी पार्टी की टीम आप लोग थोड़ा होशियार हो जाइए और सचेत हो जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि इंटरपोल की जो पुलिस है ना आपको ढूंढने के लिए दिल्ली में आ जाए, काहे कि आप लोग पूरा बोलते हैं कि हम हैक कर सकते हैं, हैक कर सकते हैं, हैक कर सकते हैं, पकड़ लेगा कहीं वो लोग ना, तब बाद में बोलते रहिएगा कि हमसे हैक वैक नहीं होता है, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। तो ठीक है, अब देखिए क्या क्या होता है आगे अपने देश में, बहुत ही विचित्र प्रकार का चीज़ सब होते ही रहता है। वैसे आप लोग इस सब चीज़ का टेंशन मत लीजिए, आप आराम से इंजॉय करते रहिए, फिल्म विल्म बहुत आ गया है, हाफ गर्लफ्रेंड है, हिंदी मीडियम है, ये सब चीज़ देखिए, टाइम पास कीजिए। तो यदि गर्मी बहुत लग रहा है तो आराम से आम के गाछी में जाइए, खटिया बिछा के आराम की नींद लीजिए, ठीक है ना? फिर मिलेंगे अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी।